अगर आपकी कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपए आ रही है और आपका रेलेवेंसी रेट 1 है और आपकी कॉस्ट पर क्लिक 15 रुपए आ रही है और आपका रेलेवेंसी रेट 7 है, तो भाई आप 7 वाले को चलाएं। हे गाइस, मेरा नाम है आकाश सिंह और आप लोगों का फिर से स्वागत है यूट्यूब 10 में। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू सो मच बोलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी जो लास्ट वीडियो थी फेसबुक एड्स को लेके, उसको आप लोगों ने खूब पसंद करा है और उस वीडियो पे काफी ज्यादा कमेंट्स आए हैं। जैसे कि अभी तक मैंने जो देखे हैं वो 60 कमेंट थे और भाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेरी किसी वीडियो पे इतने कमेंट नहीं आए हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना यार, आप लोगों ने उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाऊं और आप लोगों के वो सारे क्वेश्चंस के जवाब दे दूं। जैसे कि कई लोगों ने पूछा कि भाई कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करें अच्छे रिजल्ट के लिए, और कैंपेन फेसबुक पिक्सल क्या होता है, पेमेंट कैसे करनी होती है, तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं आपको जवाब दूंगा इस वीडियो में। और सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप न्यू हैं इस वीडियो पे और आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज जाके मेरी वो लास्ट वीडियो देख लें। मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाई कि आपको बेस्ट सेटिंग क्या मिलती है जो आप फेसबुक कैंपेन को एक सेटअप करते समय यूज कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप पक्का देखना। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो सबसे नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं कि फेसबुक पेमेंट कैसे करता है। तो फेसबुक की पेमेंट आपको बिलिंग वाले ऑप्शन में, जो एड मैनेजर में बिलिंग, अगर आपको नहीं पता कैसे जाते हैं तो आप मेरी लास्ट वीडियो देख लेना, उसमें मैंने बताया है। तो बिलिंग ऑप्शन में जाके आपको अपने कार्ड या कुछ भी, जो जैसे पेपाल हो गए, कार्ड हो गए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आप ऐड कर सकते हैं और आप प्री पेमेंट कर सकते हैं इंडिया के लिए। दूसरी कंट्रीज में, जैसे कि मैं यूएस हो गया, यूके, इन कंट्रीज के कैंपेन चलाता हूं, तो वहां पे पोस्ट पेमेंट होती है। और पोस्ट पेमेंट में क्या होता है कि आपको एक साइकिल बनती है, जैसे 20 तारीख की, 30 तारीख की, तो उस डेट को आपको पैसे पेमेंट करने होते हैं और वहां पे आप पेपाल और अपना क्रेडिट कार्ड लिंक कर सकते हैं। तो आप अगर इंडिया से नहीं है और बाहर से है, तो आप वो चीज यूज कर सकते हैं, या इंडिया से तो आप पेटीएम से भी पेमेंट कर सकते हैं, पर आपको प्री पेमेंट करनी पड़ेगी। और बहुत ईजी है, कार्ड तो आपको दोनों जगह लगाना ही पड़ेगा, पेपाल या पेटीएम या कार्ड तो आपको दोनों जगह लगाना पड़ेगा, तो वो चीज तो कंपलसरी है। उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई फेसबुक पिक्सल क्या है। तो गाइस, फेसबुक पिक्सल एक नॉर्मल सा कोडिंग होती है जो आपको अपनी वेबसाइट, पूरी वेबसाइट में ऐड करनी पड़ती है आपको एक हेडर और फुटर की जगह पे, और उसको अगर आप वर्डप्रेस में लिंक करना चाहेंगे तो वो बहुत इजी है, क्योंकि वर्डप्रेस में एक प्लगइन आता है इनपुट हेडर एंड फुटर करके, वहां पे जाकर बस आपको वो कोडिंग पेस्ट कर देनी होती है। वो कोडिंग कहां से मिलेगी आपको, तो आपको पिक्सल वाले पेज पे जाना होता है, वहां पे जाकर क्रिएट पिक्सल करना होता है, वहां पे जाकर आपको फर्स्ट पेज पे जो सबसे बड़ी कोडिंग मिलती है उसको कॉपी करके वहां पेस्ट करना होता है। उसमें कोई चेंजेस नहीं करने होते, डायरेक्ट पेस्ट कर दें, उसके बाद पब्लिश करें, आपकी वेबसाइट हो गई लिंक फेसबुक पिक्सल से। और उसके बाद उसके अंदर कोई इवेंट वाले कोड्स होते हैं, जो कि जैसे जब आप कन्वर्जन कैंपेन चलाएंगे तो वहां पे यूज होते हैं, तो वो अलग बात है, उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे कि आप लोग अपना कैंपेन ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट के लिए। तो मैं जो चीजें आपको बताने वाला हूँ वो सारी चीजें मैं खुद यूज करता हूँ, और मैंने उसको कोई कहीं पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं, मैंने सारी चीजें खुद से एग्जामिन करी, खुद से मैंने एक्सपेरिमेंट करके वो सारी चीजें सीखी हैं। और वो सारी चीजें आप यार खुद भी सीख सकते हैं अगर आप खुद करेंगे, और आप मुझसे बेटर भी सीख सकते हैं अगर आपको मैं जो चीजें बताऊंगा आप यूज करते करते मुझसे बेटर हो सकते हैं। और मैं आपको पहले ही बोल देता हूँ कि यार मेरे को सारी नॉलेज नहीं है फेसबुक एड्स की, कोई मुझसे ज्यादा भी जान सकता है, कोई मुझसे कम भी जान सकता है, तो अगर आपको कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिलती है अच्छी, तो आप वहां से भी ले सकते हैं, ये नहीं कि मैं ही आपको बेस्ट चीजें बता रहा हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी मैं कोई कैंपेन रन करता हूं, तो सबसे पहले जैसे कि कोई प्रोडक्ट है और ई कॉमर्स का प्रोडक्ट है कुछ भी, तो मैंने जैसे एक कैंपेन रन करा, तो मैं सबसे पहले एक कैंपेन रन करता हूं और उसको बहुत कॉमन रखता हूं। उसके अंदर जो एड सेट होता है, जो एड सेट आपको पता है जहां पे सबसे मेन चीजें यूज होती हैं, जैसे कि बिडिंग और आपका प्लेसमेंट, तो वहां पे सबसे पहले इस चीज क्या आती है कि आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है। तो ऑडियंस सबसे मेन चीज होती है, क्योंकि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं वहां पे। और फेसबुक में तो बहुत ईजी है कि आपको ऑडियंसेस बस लिखने होते हैं, आपके दिमाग में जो जो है वो आप लिख दें, कि जैसे कि आपकी कोई टी शर्ट का ब्रांड है तो आपने कोई भी ब्रांड है उसका नाम लिख सकते हैं आप कुछ भी, और उसके बाद फेसबुक खुद आपको सजेशन देने लग जाता है। उसके बाद अगर आपको कोई बिहेवियर देखना है, कि जैसे कोई ऐसे लोगों को आपको सेलेक्ट करना है जिनका बिहेवियर फेसबुक पे ऐसा है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बहुत ज्यादा इंगेजमेंट में होते हैं शॉपिंग के, तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं बिहेवियर में। डेमोग्राफिक में आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई एम्प्लॉय, जैसे कोई आप जॉब से रिलेटेड कोई कैंपेन चला रहे हैं, तो वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट ढूंढ सकते हैं, कोई एम्प्लॉय जिस भी कंपनी में, आपकी राइवल कंपनी में काम कर रहा हूं भले, तो वो एड देख के आपकी कंपनी में आ सके, तो वहां पे आप डेमोग्राफिक में। इंटरेस्ट में तो आपको मैं बता चुका हूं कि इंटरेस्ट आपका जो भी है वो आप चेक कर सकते हैं, सजेशन में आपको मिलता रहता है, तो वहां से आप ऑडियंस बना सकते हैं। स्टार्टिंग में आप भले, बहुत लोगों के क्वेश्चन होता है कि ऑडियंस ब्रॉड रखें या नैरो रखें, तो ब्रॉड रख सकते हैं आप स्टार्टिंग में। अगर आपको नहीं पता नैरो कैसे करनी है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में बोलूंगा कि आप ब्रॉड रखें। कई लोगों को मैंने देखा है कि 2-3 इंटरेस्ट ऐड कर लेते हैं और सोचते हैं कि ऐड बहुत अच्छा काम करेगा, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ी ज्यादा इंटरेस्ट भी ऐड करें, तो बहुत ज्यादा ऐड नहीं करें, पर मीडियम करें कि आपको ऑडियंस अच्छी मिले। ये नहीं कि आपने 1000 ऑडियंस आपकी, पूरे कैंपेन में 1000 ही आपकी रीच है, तो वो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ऐड करें, स्टार्टिंग में ब्रॉड रखें, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो मेरी प्लेसमेंट होती है, मैं स्टार्टिंग में उसको ऑटो रखता हूँ,
प्लेसमेंट में मैं कोई चेंजेस नहीं करता, ऑटो रखता हूँ। मैं आपको स्टार्टिंग ही बता रहा हूँ, मैं भले अभी बहुत सारी चीज सीख गया हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में लर्न करी थी उस चीज को बता रहा हूँ कि मैं ऑडियंस ऑटो रखता हूँ, फिर उसके बाद बिडिंग भी ऑटो रखता हूँ। और गाइज यहाँ पे डरने की चीज नहीं है, लोग सोचते हैं कि बिडिंग ऑटो रखने में ही होता है कि आपका जो बजट है पर डे का वो उसको दबा के मतलब फेसबुक खाने की कोशिश करता है, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मैं भी सोचता था ये चीज, बट ऐसा कुछ नहीं है। फेसबुक आपके अमाउंट को ऑटो रखेंगे तो ऐसी बिडिंग करने की कोशिश करता है जिससे आपका बेटर रिजल्ट मिले। और वहां पे भी ये होता है कि बिडिंग इस तरह से होती है कि आपकी जो लोग आपकी जो ऐड को देख रहे हैं और कितने लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका रेलिवेंसी रेट क्या है, उसके हिसाब से वो आपका रेट बनाता है। अगर रेलिवेंसी रेट बहुत ज्यादा अच्छा है, लोग आपके ऐड को पसंद कर रहे हैं, तो बिडिंग भी आपकी कम होती जाती है। नहीं है कि किसी ने बिड बहुत ज्यादा लगा दी तो उसके ऐड को दिखा रहा है, भले उसका ऐड कोई मतलब इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं, ज्यादा पैसा लगाने से कुछ नहीं होता। उसके बाद मैं आपको बजट बोला तो मैं पर डे के हिसाब से बजट पे चलता हूँ कि पर डे मैंने $10 रख लिया, $20 रख लिया। मैं क्योंकि मैं इजीली कैंपेन पॉज कर देता हूँ, मुझे कोई ये नहीं है कि मेरे को कोई शेड्यूलिंग करनी है कुछ के, मैं खुद से पॉज कर देता हूँ क्योंकि मेरा काम ही है गाइस, इसी के पैसे लेता हूँ मैं, तो मैं पॉज वॉज कर देता हूँ जब मुझे जरूरत नहीं होती कैंपेन की। उसके बाद वहाँ पे पूछता है कि आप डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहते हैं। तो अगर आप वेबसाइट विजिट का कैंपेन रन कर रहे हैं तो वहाँ पे आप क्लिक जो पर क्लिक होता है वो रखते हैं ऑप्टिमाइजेशन पे। और उसके बाद आप चार्ज कैसे करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो वहाँ पे भी पर क्लिक रखते हैं। तो ये सब चीज़ें आपकी रिकमेंडेड होती है, यहाँ पे आप एक अच्छा सा कैंपेन रन कर सकते हैं। उसके बाद आपको आता है एक ऐड सेलेक्ट करने का, तो वहाँ पे ऐड सेलेक्ट करने के टाइम पे मैं आजकल वो वाली एड्स यूज़ करता हूँ जहाँ पे आपको स्लाइड इमेजेस मिलती है, जहाँ पे आप 10 pictures यूज़ कर सकते हैं। तो वो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ आजकल ज़्यादातर अपने कैंपेन रन करने में, कि बहुत ज़्यादा अच्छी हैं इसमें, क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा दिखा सकते हैं। जैसे आपका ई कॉमर्स का तो सबसे बेस्ट है वो आपके लिए, क्योंकि वहाँ पे आप अपने 10 best प्रोडक्ट्स को वहाँ पे शो कर सकते हैं। और रिसेंटली जैसे मैंने अभी एक कैंपेन पेंटिंग वेबसाइट का चलाया है US के लिए, तो वहाँ पे मैंने पेंटिंग जो भी बेस्ट सेलिंग पेंटिंग्स थी बढ़िया वहाँ पे मैंने 10 pictures ले लिए हैं, और उसके बाद वहाँ पे ऐड करते हैं तो वो स्लाइड में होती है लोग उसके बाद। और इवन उसके अंदर ये भी ऑप्शन होता है कि जो पिक्चर ज़्यादा अच्छी मतलब वर्क कर रही है, लोग जिस पे ज़्यादा अच्छा क्लिक कर रहे हैं, तो उसको वो फ्रंट में कर देगा फेसबुक। तो वहाँ पे वो सिलेक्ट हो रखा होता है, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि मैंने ये सारी चीज़ कर दी, प्लेस कर दिया एक ऑर्डर। हाँ, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आपकी जो टाइटल और हेडलाइन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है आपकी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि टाइटल ही होता है जिसको लोग पढ़ते हैं ऊपर। अगर आपका टाइटल खराब है तो वीक है तो आपको मतलब ज़्यादा क्लिक्स नहीं आएंगे। तो अपने टाइटल को अट्रैक्टिव कैसे बनाएं, तो आप गूगल पे अपने प्रोडक्ट्स के रिलेटेड कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे कई सारी वेबसाइट आती हैं तो उनका सेलेक्ट कर सकते हैं। उनने बहुत सारे लोगों ने टाइटल अच्छे अच्छे बना रखे होते हैं, तो उन वेबसाइट से आइडिया लेके आप खुद के लिए एक टाइटल यूज़ कर सकते हैं। कोई पंगा नहीं होगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा कॉपीराइट का कुछ भी, इजीली आप सेलेक्ट कर सकते हो। वर्ड्स तो कोई भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद हेडलाइन का भी ये सीन है, अगर आप फ्री शिपिंग कोई डिस्काउंट चल रहा है तो वो जरूर आप शो करने की कोशिश करें। अगर आप शो नहीं करेंगे तो आपका घाटा ही है। अगर आप शो करें, जैसे कि आपकी 30-50% ऑफ चल रहा है, तो वो चीज़ आप लिखेंगे 30-50% ऑफ, फ्री डिलीवरी है तो आप वो लिखेंगे फ्री डिलीवरी आपकी 500 rupees से ऊपर है या 1000 से ऊपर है। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ शो करें अपने ऐड पे, तब आपकी मतलब क्लिक्स के ज़्यादा बढ़ने की मतलब चांसेस हैं। तो आपने फिर यहाँ पे प्लेस कर दिया अपना ऑर्डर, आपका प्लेस हो गया, उसके बाद कैंपेन रन हो गया। अब मैं कैसे ऑप्टिमाइजेशन करता हूँ, अगर आपके पास फेसबुक एडवर्टाइजमेंट का जो एड मैनेजर का अगर सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, तो वो बहुत ईजी है समझने में। वहाँ पे आप जाएंगे तो अपने कैंपेन में जब आप जाएंगे तो नीचे वो दिखा देता है कि कैसे किस एज ग्रुप के लोग आप टारगेट कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग क्लिक्स कर रहे हैं, किस कंट्री में ज़्यादा, किस जगह पे ज़्यादा ये प्लेस हो रही है। तो वो सब इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि ऐड मैनेजर के कंप्यूटर पे मतलब डेस्कटॉप वर्जन पे आपको ज़्यादा मतलब ईजिली पता नहीं चलेंगी, वहाँ पे ईजिली आपको पता चल जाती हैं, तो वहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चल गया, जो मैं पहला कैंपेन चलाता हूँ वहाँ पे मैं एज भी मतलब कॉमन ही रखता हूँ, जैसे कि मैं 20-60 रखता हूँ, या जैसे कि अभी मैंने एक पेट के लिए चलाया था, कैट के लिए चलाया था, एक प्रोडक्ट था कैट से रिलेटेड टॉयज थे, तो वहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में मैंने रखी थी 20-65+। वहाँ पे मैंने देखा कि 55 से लेके 65+ वाले लोग ज़्यादा उसे यूज़ कर रहे हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब आप देख सकते हैं ऐड मैनेजर के एप्लीकेशन में जो मोबाइल वाला होता है। तो उसके बाद एक कैंपेन आप वैसे सेटअप कर सकते हैं, वैसे सेटअप करके देखेंगे जो भी आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं वो ऑप्शंस यूज करके करेंगे कि कितने एज वाले जो भी है, उससे क्या होगा कि आपकी जो रेलेवेंसी रेट है वो आपका हाई हो जाएगा। और रेलेवेंसी रेट क्या होता है, आपके 500 इंप्रेशन के बाद रेलेवेंसी रेट मिलता है फेसबुक पे, और वो क्या करता है कि आपकी रेटिंग बताता है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट कितनी रेलेवेंट है आपके व्यूअर से। अगर आपकी रेटिंग 1 है तो आपकी मतलब बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, आपकी 10 है तो बिल्कुल मतलब एक नंबर की रेलेवेंट है। तो उसकी वजह से आपकी क्लिक रेट भी मतलब जो आपका कॉस्ट है वो भी कम होती जाएगी बिड की। तो मेरी जहाँ तक आती 7-8 मेरी आ जाती है रेलेवेंसी रेट, मैं जहाँ तक रखता हूँ 7-8 तो रखता हूँ, उससे नीचे आती तो मतलब यार खराब कुछ गलती हो रही है, तो आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कैंपेन अपना। तो वो चीज़ को आप मेंटेन रखें, और रेलेवेंसी रेट आपको अपने ऐड सेट पे जाके दिख जाता है, एड्स पे जाके दिख जाता है, कैंपेन लेवल पे नहीं दिखता है। तो
तो उसके बाद आप न्यू कैंपेन एक सेटअप कर सकते हो उन इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपको एड सेट में जाके जो आपको फेसबुक एड के एप्लीकेशन में मिलती है मोबाइल पे, वो सब चीजें देख सकते हैं। और मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है कि मल्टीपल एड्स बनाने की कोशिश करता हूँ। मल्टीपल एड बनाने के लिए क्या होता है कि आपको एड वाली जगह पे जाना होता है, वहां पे क्लिक करके आपको वहां पे उस एड को सिलेक्ट करके उस पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आता है, उस पर डुप्लीकेट क्लिक कर दीजिए तो आपको जो भी सेटिंग्स होती है वो सब सेम रहेगी, मतलब एड सेट की सेटिंग सेम रहेगी कैंपेन की, जस्ट आपको एक एड न्यू बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। और वहां पे मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि अगर आप कोई ई कॉमर्स या कोई भी न्यू बिजनेस है जो लोग नहीं जानते हैं तो वहां पे मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो डालने की, क्योंकि जब आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो लोग नहीं जानते तो वहां पे आप वीडियो से समझाने की कोशिश करो, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वीडियो की इंगेजमेंट बहुत अच्छी है, लोग देखते हैं, ऑटो प्ले है फेसबुक पे तो बहुत ज्यादा अच्छी रहती है, तो वो यूज करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ड्रेसिंग की कोई मतलब कोई ड्रेस बेच रहे हैं तो वहां पे मैं स्लाइड वाला भी ऑप्शन होता है उसको यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि आप 10 पिक्चर्स को ऐड कर सकते हैं और वो स्लाइडली ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएंगी और म्यूजिक के साथ आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं और वो ऑटोमेटिकली चलेंगी, तो लोगों की ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब एक फोटो एकदम मतलब ऐड आता है तो किसी के सामने एक फोटो आती है तो उससे बढ़िया एक वीडियो चलेगी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखेंगे तो लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वो चीज यूज करने की कोशिश करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे दो ऐड बन जाते हैं, एक ऐड सेट के अंदर एक ऐड कैंपेन के अंदर, तो आप बाद में देख सकते हैं कि कौन सा ऐड अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उसके बाद उसको आप रखेंगे वो चलता रहे और जो नहीं कर रहा उसको आप बंद कर दें। ऐसा सेम आप एड सेट्स के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं एड सेट में भी कई सारी चेंजेस करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैं स्टार्टिंग में रिकमेंडेड जितने भी ऑप्शंस होते हैं जो बेसिक होते हैं उनको सेलेक्ट करता हूँ, बट बाद में मैं चेंजेस करके देखता हूँ। जैसे मैंने पहले इतने एज ग्रुप वाले चलाए थे, फिर उसको एज ग्रुप बदल दिया, ऑडियंस को और ब्रॉड कर दिया या ऑडियंस को थोड़ा नैरो कर दिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी नेगेटिव कीवर्ड्स डाल दिए कि जो उनसे प्रोडक्ट, जैसे मैं कैट का कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैंने डॉग प्रोडक्ट्स को मैंने नेगेटिव में डाल दिया कि उनको ना दिखे वो एड, तो बट इसमें ये चीजें होती हैं कि आपका जो ओनर है, जैसे ओनर उसके पास डॉग भी हो सकता है कैट भी हो सकता है, तो अगर आपने डॉग डाल दे तो वो कैट वाला भी उसके पास होगा बट कैट भी होगी उसके पास, बट उसका मतलब वहां से पत्ता कट गया, वहां पे उसको ऐड नहीं दिखेगा, तो ये सब चीजें आपको सोचनी पड़ती हैं। उसके बाद आपका ऐसे का मतलब कैंपेन चल जाता है, उसके बाद क्या होता है कि आप हफ्ते दिन चला के देखें और उसके बाद जोन सा ऐड आपको अच्छी रेलेवेंसी रेट के साथ अच्छी क्लिक्स मिल रहे हैं, पेमेंट कम मिल रही है, तो उस ऐड को आप रन करके रखें। और यहाँ पे एक चीज ये सोचते हैं कि लोग कि जहाँ पे आपको बिड रेट कम मिल रहा है, आपकी जहाँ कॉस्ट पर क्लिक कम आ रही है वो ऐड सबसे बेस्ट है, तो ऐसा नहीं होता गाइस। अगर आपकी कॉस्ट पर क्लिक 10 रुपए आ रही है और आपका रेलेवेंसी रेट 1 है और आपकी कॉस्ट पर क्लिक 15 रुपए आ रही है और आपका रेलेवेंसी रेट 7 है, तो भाई आप 7 वाले को चलाएं, क्यों आप 10 रुपए वाला ऐड चला के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो भी क्लाइंट या जो भी ऐड देख रहे हैं वो आपके रेलेवेंट ही नहीं है, बस वो आपकी क्लिक कर रहे हैं तो उसका मतलब ही नहीं कि वो आपके ऐड को पसंद करके जा रहे हैं, उनने क्लिक कर दिया उसके बाद यही कि आपका प्रोडक्ट जाके मतलब खरीद ही लेंगे, तो ये सब चीजें अपने दिमाग में रखें। तो ये 3-4 चीजें मैं करता हूँ कॉमनली जो भी मेरे को स्टार्टिंग में कैंपेन मिलता है और इसके अंदर से मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ कि बेस्ट कैंपेन कौन सा होता है। और हाँ, मैं आपको लास्ट चीज बताना चाहूंगा कि ये चीज मैंने आपको वेबसाइट विजिट कैंपेन के बारे में बताई थी, क्योंकि ज्यादातर लोग वेबसाइट विजिट कैंपेन ही चलाना चाहते हैं। अगर आप कोई पोस्ट इंगेजमेंट कैंपेन या बिजनेस रीच कैंपेन चला रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं, वो तो बहुत इजीली आप चला पाएंगे। ज्यादातर दिक्कत लोगों को इधर आती है कि वेबसाइट विजिट और एक कन्वर्जन कैंपेन में, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट पर क्लिक होते हैं और वो थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि जब भी आप फेसबुक से बाहर जाने वाला कैंपेन चलाएंगे, जहां पे भी आप फेसबुक से बाहर जा रहे हैं वो हमेशा एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आप फेसबुक पे रह के एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे, जैसे कि आपका कोई भी आपने एक पोस्ट इंगेजमेंट हो गई या कोई भी ब्रांड अवेयरनेस हो गई, तो ये कैंपेन बहुत चीप होते हैं, इन पे ज्यादा पैसा नहीं होता। जैसे कि आपने कोई लाइक का चलाया तो लाइक ज्यादातर 0.001 डॉलर्स में ऐसे में प्राइस में आपको मिल जाते हैं, पर क्लिक आपको हमेशा जैसे कि आपका 0.40 डॉलर में आपको एक क्लिक मिलेगा, तो ये सब बहुत डिफरेंस। और हाँ, मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूँगा कि क्लिक और ये सब चीजें जो प्राइस होती हैं, जो आपकी बिडिंग होती है, ये सब चीजें मैटर करती है कंट्रीज वाइज, क्योंकि ऐड आपका कंट्रीज वाइज ही होता है। अगर आप यूएस में ऐड अपना चला रहे हैं तो यूएस में एक्सपेंसिव होगा, इंडिया में चला रहे हैं तो इंडिया में सस्ता होगा। और कोई आपको, जैसे कि मैंने कई बार करा है कि मैंने स्टार्टिंग में करा है कि किसी बंदे को लाइक्स चाहिए थे बहुत सारे, उसने बोला कि मुझे लाइक चाहिए बहुत सारे, तो मैंने उसे कैंपेन रन करा, उसने बोला मुझे चीप लाइक चाहिए बहुत, मेरे को ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर रहे, तो मैंने क्या करा उसका कि मैंने उसके कैंपेन चलाया और उसके कंट्रीज ऐसी रखी, जैसे इंडिया डाल दी है, नेपाल डाल दिया, बांग्ला, तो यहाँ पे ना ऐड बहुत सस्ते हैं, तो यहाँ पे उसको दबा के क्लिक आने लग गए, दबा के लाइक्स आने लग गए पेज पे और बंदा खुश हो गया और मेरा काम हो गया। तो यही सब मैटर करता है गाइस, कंट्री बहुत ज्यादा मैटर करती है, ऑडियंसेस। ऐसे आप अपना कैंपेन एक बढ़िया सा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ये सारी सेटिंग्स आप अपनी हर कैंपेन में यूज कर सकते हैं। और कुछ चीजें मैं जो यूज करता हूँ कि मैं जब कोई कैंपेन रन करता हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, तो मैं वहां कोशिश करता हूँ कि जो भी मतलब मैं खींच सकूँ, जहां से भी मैं सेल्स खींच सकूँ वहां से खींचूँ। जैसे कि आप पोस्ट, जो आपकी पोस्ट इंगेजमेंट वाले एड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा चीप होते हैं,
तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आप वीडियोस का बहुत यूज कर सकते हैं अपने कैंपेन में। जैसे कि आपने कोई प्रोडक्ट न्यू यूज करा है तो आप ऐसा करें यार कि अगर आप कोई कपड़े बेच रहे हैं इंडिया में, फ्लिपकार्ट का कंपटीशन करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट के साथ, तो भाई फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी कंपनी है, आप नहीं कर पाएंगे इजिली कॉम्पिटिशन। तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि जिसको हम बोलते हैं वायरल वीडियोस। आप एक वायरल वीडियोस ट्रेंडिंग पे बना सकते हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। और वहां पे क्या होगा कि लोग वीडियोस में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट करते हैं, तो वीडियोस में एंगेज करेंगे, अच्छी लगेगी तो आपकी वीडियो को शेयर भी करेंगे। और वहां पे आप अपना एक लिंक भी दे सकते हैं ऊपर अपने प्रोडक्ट का या कुछ भी वेबसाइट का, और वहां पे लोग आपके क्लिक भी करेंगे। तो ऐसे भी आप अपना बहुत सारा कन्वर्जन अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, और पोस्ट के थ्रू भी, पिक्चर्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या अपने ग्रुप्स पे आके शेयर कर सकते हैं। तो ये सारे तरीके, बहुत सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे बस आपको एक मार्केटिंग का प्लान बनाना है। और अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो बहुत न्यू है, कोई नहीं जानता उसके बारे, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि वीडियो कैंपेन सबसे, वीडियो एंगेजमेंट सबसे ज्यादा अच्छी रहेगी, उसका कैंपेन चलाएं, बहुत सस्ता पड़ेगा और बहुत अच्छा जाएगा। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन बचते हैं गाइज, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मुझे पता है बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ आई होंगी, तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट करके जवाब बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैंने बोला पहले आपको कि मैं कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखता, मैंने जो भी दिमाग में आया बस मैं बोलता गया। अगर स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया तो भाई वीडियो नहीं बनती। तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज इसको लाइक दे देना, शेयर कर देना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर ऐसी वीडियोज और देखनी है। और चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको साथ में एक बेल आइकन मिलेगा, उसे भी क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।